अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मिशन इम्पॉसिबल नावल की 7वीं किस्त पेश करने जा रहे हैं, जिसको तहरीर किया है सैयद अली हसन गिलानी ने और पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। कैप्टन ब्रेम ने कर्नल ड्रास की तरफ देखकर अदब से कहा, चीफ, हम अलास्का तो पहुंच गए हैं और यहां से हमारे और भी साथी हमसे मिल चुके हैं, लेकिन आपने इन सबको ब्रीफ नहीं किया कि जजीरा मैकरान और डेकरान बहुत ही खतरनाक जजीरे हैं। यहाँ हमारा असल टारगेट गोल्डन पावर को तलाश करना ही है, कैप्टन लीजा ने कहा। हाँ कैप्टन, तुम दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन ये सब बातें और मीटिंग हम इन जजायर के सफर के दौरान लॉन्च में भी कर सकते हैं, इसलिए मेरे ख्याल में चीफ को वक्त बचाते हुए अब सफर करना चाहिए, ड्रास ने कहा। हाँ कैप्टन ब्रेम, मेरे ख्याल में भी कैप्टन लीजा दुरुस्त कह रही है, हम लॉन्च में ये सब बातें और मीटिंग कर सकते हैं कि पाकिशिया के इमरान जैसे अहमक शैतान को भी गोल्डन पावर के बारे में मालूम हो गया है और वो पाकिशिया सेक्रेट सर्विस के साथ वहां जाने की तैयारियां कर रहा है, और मेरे मुखबिरों के मुताबिक वो पाकिशिया से चल पड़े हैं और मुझे ब्लैक डेथ और जीरो लैंड के एजेंटों से ज्यादा पाकिस्तानी टीम से है और मुझे ब्लैक डेथ और जीरो लैंड के एजेंटों से ज्यादा डर पाकिस्तानी टीम से है, क्योंकि जिस मुहिम में पाकिस्तानी वाले शामिल होते हैं उसे हर हाल में पूरा करके रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि गोल्डन पावर पाकिस्तानी के पास जाए, वरना पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और हम पाकिस्तानी को, जो पहले भी इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, गोल्डन पावर के हसूल के बाद मजीद पावरफुल हो जाए बर्दाश्त नहीं कर सकते। दरअसल कर्नल ड्रास को जो पाकिशिया से उसके एजेंट ने फोन किया था, उसने यही बताया था कि कर्नल के इमरान अपने चारों साथियों यानी फोर पावर्स के मेम्बरान और सेक्रेट सर्विस के मेम्बरान के साथ एक्रीमिया का रुख कर रहा है। जिसे सुनकर कर्नल ड्रास चौंक गया था और हैरान हो गया था कि जहां भी दुनिया के किसी कोने में भी कोई अहम चीज मिलने की बात हो, इसकी खबर इमरान को जरूर मिल जाती है। कर्नल रास अपने इन्हीं खास इमरान यानी मेजर हैरी, कैप्टन ब्रेम, कैप्टन नाइक, कैप्टन जॉनसन और कैप्टन लीजा भी शामिल थे, और ये सीधा अलास्का ही पहुंच चुके थे और यहाँ पहले से ही उसने अपने अलास्का में काम करने वाले इमरान को कॉल करके रेडी होने का हुक्म दिया था, और यहाँ 10 मेंबरान उसने अपने साथ शामिल होने का इरादा कर लिया था, क्योंकि उसे पहले से ही इत्तलात मिल चुकी थी कि वो जजायर बहुत ही सरतरीन है और मौत के जजायर कहलाते हैं, जहाँ जहरीली आबोहवा की आमेजिश भी है। इसलिए कर्नल ड्रास अपने खास मेंबरान और अलास्का से लिए गए 10वें मेंबर को खास तौर पर हिदायत दे चुका था और तमाम तैयारियों के साथ शामिल था, और 16 अफराद एक बड़ी और पावरफुल जदीद तरीन लॉन्च में बैठे थे और सफर कर रहे थे, जहां उनकी मंजिल जजायर मैकरान और डेकरान थी। कैप्टन जॉनसन ने पूछा, चीफ, सुना गया है कि वहां जिन जजायर में हम मिशन कंप्लीट करने जा रहे हैं वहां की सर्दी अलास्का से भी ज्यादा होगी। कर्नल ड्रास ने एतमाद भरे लहजे में कहा, हाँ कैप्टन जॉनसन, वहां के लोगों में यही सुना गया है कि समुद्रों के अंदर बाजाहिर इंसानों से खाली जजीरों में सर्दी बहुत खौफनाक होगी, लेकिन इसके लिए इंतजाम कर लिया गया है। मेजर हैरी ने कहा, चीफ, इस मिशन में हमारा मुकाबला बाजाहिर 3 ग्रुप से होना है, जो कि 2 तो बदनाम जमाना और खतरनाक तंजीमें हैं और एक हमारा दुश्मन मुल्क पाकिशिया है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वहां 3 ग्रुप ही हो सकता है वहां और भी पार्टियां गोल्डन पावर के लिए गई हुई हों या जा रही हों। कर्नल ड्रास ने कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन सुना यही गया है कि गोल्डन पावर के लिए पाकिस्तान के अलावा दीगर पावरफुल एजेंसियां जैसे कि काफ्रिस्तान के कर्नल फ्रीदी, ग्रेट लैंड के डॉक्टर साइमन, और लेकिन वो सब इन दिनों मसरूफ है, अलबत्ता मेरे ख्याल में किसी और मुल्क की एजेंसियां शायद बगैर इतनी इंफॉर्मेशन के इंतजार का रुख ना करें, लेकिन ब्लैक डेथ जीरो लैंड का लेकिन वो सब इन दिनों मसरूफ हैं, अलबत्ता मेरे ख्याल में किसी और मुल्क की एजेंसियां शायद बगैर इतनी इंफॉर्मेशन के इंतजार का रुख ना करें, लेकिन ब्लैक डेथ जीरो लैंड के हर कारे और खासकर पाकिस्तान का ग्रुप, ये तीनों ग्रुप तो पक्के हैं,
जिनके बारे में इत्तलात मिल चुकी है, और हमें बहुत मोहतात होना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और जीरो लैंड और ब्लैक डेथ वाले किसी मुल्क के दोस्त नहीं और सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं, मेजर हैरी ने जोश भरे लहजे में कहा। चीफ, वैसे तो अक्सर ये होता है कि हम अपने मुल्क में होते हैं और बिल्गारनिया और खासकर पाकिस्तान वाले हमारे मुल्क आकर हंगामा खड़ा करके हमें नुकसान पहुंचाकर कामयाबी से वापस चले जाते हैं, लेकिन इस बार हमारा टकराव गो के अपने मुल्क इसराइल से बाहर हो रहा है, लेकिन हमने इस बार पाकिस्तान वालों को किसी तौर पर कामयाब नहीं होने देना। कैप्टन लीजा ने मेजर हैरी की तरफ देखकर अदब से कहा, नहीं सर, माजरत के साथ, मेरे ख्याल में अगर हमें मालूम भी हो जाए कि जजीरे पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है तो हमने कोशिश करनी है कि इनसे दूर ही रहें और अपने टारगेट यानी गोल्डन पावर को हासिल करके कामयाबी से अपने मुल्क रवाना हो। कैप्टन नायक ने हैरत से कहा, लेकिन कैप्टन लीजा, ये क्या बात हुई? अगर हम ग्रेट इसराइल वाले बुजदिली दिखाए। कैप्टन नायक, मेरे ख्याल में कैप्टन लीजा दुरुस्त कह रही है और चीफ भी कैप्टन लीजा की बात पर मुत्तफिक होंगे, क्योंकि इमरान ने इसके साथ ही और पाकिस्तानी सेक्रेट सर्विस बहुत खतरनाक, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक सर्विस है। मेरा मकसद पाकिस्तान की तारीफ करना नहीं है, क्योंकि हमारा अपना बस चले तो इन सब पाकिस्तानी एजेंटों को दर्दनाक मौत से दोचार करूं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें मसलहत के तहत चलना होगा क्योंकि इस तरह हम कामयाब हो सकते हैं। अलबत्ता अगर पाकिस्तान या किसी और ग्रुप से सामना हो गया तो फिर इनसे लड़ना हमारी मजबूरी है। याद रहे, हमारा मिशन पाकिस्तान या ब्लैक डेथ या जीरो लैंड को शिकस्त देना नहीं, बल्कि अपने मिशन गोल्डन पावर को हासिल करना है। अगर हमने गोल्डन पावर को हासिल कर लिया तो फिर पाकिस्तान को भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा और गोल्डन पावर से हमारे साइंसदान ग्रेट इसराइल को बहुत पावरफुल बना देंगे और इस्लामी मुल्क हमारे, खासकर हमारे अजली दुश्मन पाकिस्तान और उसका हमसाया मुल्क बिल्गारनिया भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अलास्का के एक एजेंट ने सवाल किया, चीफ, ये गोल्डन पावर क्या है जिसके लिए पाकिस्तान और दुनिया की बदनाम जमाना और खतरनाक तंजीमें मौत के नाम से मंसूब होने के बावजूद इन खतरनाक जजायर पर जाने के पर तोल रही हैं? कर्नल रास ने कैप्टन लीजा की तरफ देखकर कहा, तुमने अच्छा सवाल किया है कैप्टन लीजा, इन तमाम मेंबरान को अब तुम ब्रीफ करो। यस चीफ, गोल्डन पावर दरअसल पत्थरों के अंदर गोल्डन को, यस चीफ, गोल्डन पावर दरअसल पत्थरों के अंदर गोल्ड को पिघलने के बाद महलूल का इखराज होता है, और सबसे हैरत अंगेज बात कि अमूमन गोल्डन पावर के लेप या महलूल का इखराज ठंडे तरीन इलाकों में होता है, और गोल्डन पावर के बारे में सुना गया था कि ये दुनिया के किसी खुफिया जजायर में है। मालूम नहीं इसके कुछ जखायर किस तरह क्रीमिया और चंद दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों के साइंसदानों को मिला था। उन्होंने गोल्डन पावर के साथ इलेक्ट्रिक को बनाया था और अर्थ लगना इजाद हुआ था। अब तो जदीद दौर है और अब अगर गोल्डन पावर मिल जाए तो इससे अगर अच्छे साइंसदान मिले तो अपनी एटमी लेबोरेटरी को और फाल और मजबूत बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर गोल्डन पावर के जखायर मिल जाए तो इससे लेबोरेटरी को पावरफुल बनाया जा सकता है और इसके असरात से दुनिया का कोई रेडार एटमी रिएक्टर को चेक नहीं कर सकता, और इसके अलावा गोल्डन पावर के जखायर से पावरफुल हथियार और मोहलिक हथियार भी बन सकते हैं, जैसे कि ब्लैक डेथ वालों ने रेड पावर बनाया था जिससे हर एमोनेशन और साइंसी आलात जाम हो जाते थे। इस तरह रेडार ही दीगर चेक करने वाली साइंसी आलात जैसे कि एमोनेशन तक को जाम कर सकता है और गोल्डन पावर को मेडिसिन में भी और इसके जरात को इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे मेडिसिन में ज्यादा पावर आ सकती है, और वैसे भी हम यहूदियों के साइंसदान मेडिसिन में बहुत कामयाब हैं और क्रीमिया में हम यहूदियों का बिजनेस बहुत कामयाब है, और जहाँ इसके इस्तेमाल से इनकलाबी और मोहलिक हथियार बन सकते हैं वहाँ इसके इस्तेमाल से अपनी लैब को इतना मजबूत भी किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि गोल्डन पावर के पत्थर ही इस जजीरे पर मिले, अगर गोल्डन पावर का पानी भी मिल जाए तो हमें इससे भी फायदा हो सकता है। कैप्टन ब्रेम ने पूछा, कैप्टन लीजा, हम जिस जजीरे पर जा रहे हैं वहां दुनिया के बदनाम तंजीमें भी जा रही हैं और पाकिस्तान की टीम के बारे में हतमी इत्तला मिली है, अगर हम नाकाम हुए
तो इससे दुनिया तो खतरे में पड़ सकती है। देखें, गोल्डन पावर के बारे में जो खसूसियत सुनी गई है, इसके मिलने से हम ग्रेट इसराइल के यहूदी बहुत आगे जा सकते हैं, वरना हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर गोल्डन पावर, जीरो लैंड या ब्लैक डेथ जैसी खतरनाक तंजीमों में से किसी एक को भी गोल्डन पावर के जखायर मिल गए, तो दुनिया और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। दुनिया में हुक्मरानी का ख्वाब इन खतरनाक तंजीमों के लिए मुश्किल नहीं होगा, जो सिवाय अपनी तंजीम के मकसद सिवा किसी मुल्क के दोस्त नहीं। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, अगर गोल्डन पावर उन्होंने हासिल कर लिया तो इससे दुनिया को तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क। इमरान खुद भी एक बहुत अच्छा साइंसदान है और इसके दोस्त को एक्रीमिया और उसकी दोस्त एक्रीमिया रहती है, वो भी बहुत मंझी हुई सेक्रेट एजेंट के साथ बहुत कामयाब साइंसदान है। और खास कर पाकिस्तान का साइंस सर्द और दुनिया के चंद मारूफ साइंसदानों में से एक है, और इसके अलावा और भी चंद अच्छे कामयाब साइंसदान पाकिस्तान के पास हैं। और इमरान जैसे खतरनाक दिमाग और उनके मारूफ साइंसदान सर्द सरदावर के होते हुए पाकिस्तान अपनी एटमी पावर लेबॉरेटरी को बहुत फाल बना लेगा। जदीद तर्ज की लॉन्च सर्द समंदर के बर्फीले पानी में भी चीरते हुए अपना रास्ता बना रही थी, जिसको अलास्का में रहने वाले कर्नल ड्रास के दो एजेंट चला रहे थे, और इस जदीद लॉन्च में प्रोजेक्टर लगा हुआ था और कैप्टन लेजा इनको गोल्डन पावर के बारे में ब्रीफ कर रही थी, और कर्नल ड्रास भी गौर से सबको देख रहा था और उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर भी थी, जहां मैप रोड के मुताबिक लॉन्च का सफर जारी था। कैप्टन नायक ने सवाल किया, कैप्टन लीजा, दुनिया के खतरनाक तंजीमों के खास एजेंटों का ताल्लुक बेशक डेंजर तंजीम से जरूर है, लेकिन क्या इनका कोई मजहब नहीं जो दुनिया पर दहशत ही फैलाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन खतरनाक तंजीमों में काम करने वाले खास सरकारें बाज क्रिश्चियन हैं और बाज हमारी तरह यहूदी हैं और बाज मुस्लिम और चंद बुद्ध मत और चंद हिंदू मजहब के हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ अपनी तंजीम की ही खुशनुदी है। जैसे कि जीरो लैंड में हम अहम हरकारा नानोता का ताल्लुक काफ्रिस्तान से है और वो हिंदू है, और थेरिसिया का ताल्लुक क्रीमिया से है और वो क्रिश्चियन है, फिंच का ताल्लुक फ्रांस से है और वो भी क्रिश्चियन है, और सिंह ही का ताल्लुक शुग्रान से है और वो बुद्ध मत मजहब का है। इसी तरह जीरो लैंड के 10 बड़ों में जो अमूमन दुनिया के सामने नहीं आते और जीरो लैंड तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन 10 बड़े ही दुनिया के मारूफ साइंसदान हैं जिनका मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक है। इन 10 के बारे में जो मालूमात मिली हैं, इनमें 2 तो हिंदू हैं और 4 यहूदी हैं और 3 क्रिश्चियन हैं, 1 बुद्ध मत का है, और इन 10 के ऊपर भी एक लीडर है जो जीरो लैंड का सुप्रीम चीफ है, और सुप्रीम चीफ का ताल्लुक अराडान से है और वो मुस्लिम है। दुनिया की खतरनाक और दहशत पसंद तंजीम के हरकारों का ताल्लुक मुख्तलिफ मजहबों और मुल्कों से है, जैसे कि जेफर्ड सलाका जो दुनिया में लेडी किलर वुल्फ के नाम से मशहूर है। ये कीनियाई बाशिंदा है और ग्रेट लैंड के डॉक्टर साइमन के ग्रुप मेंबर पावर 4 ड्रैगन सलाका का बड़ा भाई है, और जेफर्ड सलाका जात का क्रिश्चियन है, और ब्लैक डेथ की योंडारी जो जुल्म और कहर की वजह से दुनिया में लेडी हंटर के नाम से जानी जाती है, उसका ताल्लुक सामालिया से। कैप्टन लीजा ने प्रोजेक्टर्स पर सबको ब्रीफ करते हुए कहा। कर्नल ड्रास ने तश्वीश से कहा तो सबने होंठ भेंच कर सर हिला दिए। वाकई इस लिहाज से तो गोल्डन पावर को सिर्फ इसराइल हासिल करे तो हमारा फायदा है, वरना पाकिस्तान ब्लैक डेथ या जीरो लैंड के हासिल करने से इसराइल को जहां फायदा नहीं वहां नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, मेजर हैरी ने कहा। कैप्टन लीजा, एक और भी तो दुनिया की खतरनाक तंजीम ब्लैक थंडर भी है जिसको हम भूल रहे हैं। यस सर, लेकिन सर आप भी मेरी तरह जानते हैं कि ब्लैक थंड बेशक दुनिया की खतरनाक तंजीम जरूर है, दुनिया के लिए बेशक खतरा है, लेकिन ब्लैक थंडर हमेशा से ही हमारे मुल्क इसराइल के लिए नरम गोशा रखती है। इसलिए इस तंजीम के जजायर में एजेंट हुए तो उल्टा हमें फायदा होगा। चीफ, हम मैप के मुताबिक जजीरा डेकरान के साहिल के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है डैन जॉन्स,
तुम लांच को किनारे के साथ लगाओ। और जहर के एंटीडॉन्स इंजेक्शन चूंकि सबको लगा दिए गए हैं, जिससे जजीरे की जहरीली आबोहवा असरअंदाज नहीं होगी। तीन मेम्बरान नीचे उतरें और लांच को किसी एक दरख्त के साथ बांध दें, कर्नल ड्रास ने कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि सरतरीन जजीरे के शुरू में ही घने दरख्तों का सिलसिला था जो बर्फ से अटे हुए थे, और बर्फ की सफेदी में दरख्त के सफेद पत्ते भी बर्फ से ढककर सफेद हो चुके थे। कर्नल ड्रास के हुक्म से इसके अलास्का से आए हुए तीन मेम्बरान लांच को किनारे पर लग जाने के बाद नीचे उतर गए और थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि उनको गर्राटों की आवाज सुनाई दी, और फिर उनके संभलने से पहले ही 20 के करीब भेड़िए इन तीनों बदकिस्मत एजेंटों पर पल पड़े। और कर्नल ड्रास या दूसरे सेक्रेट सर्विस के एजेंटों के संभलने से पहले ही उनके साथियों को चंद लम्हों में ही तिक्का बोटी करके रख दी, और ये अपने साथियों का ये भयानक तरीन अंजाम देखने लगे। फौरन लांच को जजीरे के किसी और सिमत ले जाओ, कर्नल ड्रास ने तेज लहजे में हुक्म दिया, तो लांच की कंप्यूटराइज मोटर को एक बार फिर चला दिया गया। और पीछे होने लगे। उफ, ये तो बहुत ही सरतनीन और इंतहाई खतरनाक जजीरे हैं, जहां आगाज में ही इतने खतरनाक दरिंदों ने पल भर में ही हमारी टीम के तीन मेम्बरान को चीर फाड़ कर रख दिया। नहीं कैप्टन जालसन, चीफ ने दुरुस्त फैसला किया, क्योंकि हमारे संभलने से पहले ही हमारे साथी मारे जा चुके थे, इसलिए फजूल की फायरिंग से कुछ भी फायदा ना था। इस जगह उतरने से हो सकता है कि आगे मजीद भेड़िए भी यहाँ आ जाते, और भेड़िया इंसान का बदतरीन दुश्मन है, कर्नल ड्रास ने अफसोस से अपने हाथ पर मुक्का मारते हुए कहा। उफ, मुझे यकीन नहीं आता कि मिशन के आगाज में ही चंद लम्हों में इस मौत के जजीरे की भयानक मौत मेरे तीन साथियों की जान ले लेगी। क्या लांच को किसी और सिमत जाकर किनारे पर लगा दूं? हाँ डैन जोन्स, हमने गोल्डन पावर के लिए खतरात में जाना तो लाजमी है। वरना बगैर हरकत के तो कोई चीज हाथ नहीं आती, कर्नल ड्रास ने कहा। तो जोन्स और उसके पार्टनर मैक ने लांच को बर्फीले समंदर में इस जजीरे के साहिल पर लगा दिया। कैप्टन लीजा ने कर्नल ड्रास की तरफ देखकर अदब से कहा, मेरे ख्याल में चीफ, हम सबको एक साथ ही जजीरे पर जाना चाहिए और अपने एमोनेशन को हाथों में रखना है और चौंकन्ना रहना है, ताकि किसी भी आफत से फौरन निमट सके, वरना जिस तरह खूंखार भेड़ियों ने पल भर में हमारे तीन साथियों की जान ले ली है, ये बहुत खतरे की बात है। कैप्टन लीजा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, ऐसा ही करना पड़ेगा, और हमें हर लम्हे इन मौत के नाम से मंसूब जजीरों पर खबरदार होकर रहना पड़ेगा, जिसने आगाज में ही हमारे साथियों की जान ले ली। ये बड़ी और जदीद लॉन्च के नीचे के रूम में बैठे हुए थे। सबने एहतियाती तदाबीर के तहत फिर पॉइजन के एंटी डोर इंजेक्शन लगाए और रूम से बाहर निकले, तो शदीद तरीन ठंड ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन ये सब जदीद तर्स के गर्म लिबास पहने हुए थे और अपने अपने बैगों समेत लॉन्च से निकलकर जजीरे में आ गए और बहुत एहतियात से आगे बढ़ने लगे। जहां जजीरे पर इस सिमत छोटी छोटी पहाड़ियां थी जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से अटी हुई थी, कैप्टन नायक ने होंठ भींचकर कहा, यहां जजीरे की इस सिमत तो सिर्फ बर्फानी टीले और छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, मालूम नहीं ये जजीरा कितना बड़ा है, और हमें यहाँ इस जगह गोल्डन पावर के जखायर मिलेंगे। कर्नल ड्रास ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, अहमक उल्लू गधे, क्या हम यहाँ खेलने आए हैं जो तुम इतनी जल्दी थक गए हो? निकम्मे इंसान। सॉरी चीफ, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। चीफ, यहाँ सर्दी बहुत ही कड़ाके की है और मीटर के मुताबिक 60 सेंटीग्रेड से नीचे गिरा हुआ है। हाँ कैप्टन, वाकई वो कि हमने बहुत ही जदीद किस्म के गर्म तरीन लिबास पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी सर्दी जिस्म के अंदर घुसती जा रही है। ये जजीरा खतरनाक होने के साथ बहुत सर्द है। मेरे ख्याल में हमें सिल्वन की बनी हुई जैकेटों को भी पहन लेना चाहिए, वरना चीफ, हम मिशन को सर करने की बजाय इस ठंडी दोजख की होलनाक सर्दी का शिकार हो सकते हैं। सब ने अपने बैगों से मजीद गर्म जैकेटें निकाली और पहन ली, जिससे अब उनको कदरे सुकून महसूस हुआ। शुक्र है हम पूरा इंतजाम करके चले थे,
वरना बुरी तरह फंस जाते, मेजर हैरी ने सुकून से कहा और सब एक बार फिर होशियारी से आगे बढ़ने लगे। चीफ, यहां कोई और भी पार्टी है और हमसे ज्यादा दूर नहीं है। यकलक, कैप्टन ब्रेम ने कहा तो सब चौंक पड़े। सब नीचे लेटकर आगे बढ़ो और अचानक ही दूसरी पार्टी पर हमला करना है, कर्नल ड्रास ने कहा तो सब नीचे लेट गए, क्योंकि उनको पहाड़ी की दूसरी सिमत एक पार्टी नजर आ गई थी, जिसे देखकर उन सब ने अपने होंठ सख्ती से भेंच लिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जिस पार्टी से खतरा था वो पार्टी उनके सर पर नाजिल हो चुकी थी। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त तौकीर नियाज तौकीर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।